नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की अस्पताल में मृत्यु, रूठा मानसून, संकट में खेती और निष्ठुर राजनीति। खाद्य सामग्री की ऊंची कीमतें परिवारों के पोषण को तबाह कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, गुंडागर्दी मुक्त राज का दावा करने वाली भाजपा ने सेल्फ गोल किया। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 39,796 नए मामले, 723 मरीजों की मौत। एल्गार परिषद माओवादियों से संबंध मामले के आरोपी आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी का आज 1:30 बजे अस्पताल में निधन हो गया। वह 84 साल के थे। उनकी सेहत नाजुक स्थिति में बनी हुई थी, जिसके बाद 4 जुलाई को ही उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अदालत के 28 मई के आदेश के बाद से स्वामी का यहां होली फैमिली हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। शनिवार को अधिवक्ता देसाई ने न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जमादार की पीठ को बताया कि स्वामी का स्वास्थ्य नाजुक बना हुआ है। पीठ ने मंगलवार को स्वामी की चिकित्सीय आधार पर दायर जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को टाल दी थी और तब तक उन्हें अस्पताल में रहने को कहा था। पिछले हफ्ते स्वामी ने अदालत में एक नई याचिका भी दायर कर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की धारा 43D को चुनौती दी थी, जो इस कानून के तहत आरोपी बनाए गए व्यक्ति की जमानत पर सख्त शर्तें लगाती हैं। सोमवार को देसाई ने कहा कि वह जमानत याचिका या UAPA के प्रावधानों को चुनौती देने वाली नई याचिका दोनों में किसी पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय का रुख नहीं करेंगे। भारत में मानसून को लेकर मौसम विभाग का अनुमान या भविष्यवाणी आमतौर पर गलत ही साबित होती है, इसलिए इस बार भी ऐसा हो रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं है। इस बार भी मौसम विभाग ने मानसून समय पर आने की भविष्यवाणी करते हुए 104 से 110 फीसदी वर्षा की संभावना जताई थी। इस स्थिति को सामान्य से अधिक वर्षा माना जाता है, लेकिन मौसम विभाग का यह अनुमान हकीकत से दूर नजर आ रहा है। मानसून की आमद में हो रही देरी से पिछले दिनों बेमौसम बारिश की मार झेल चुके कृषि क्षेत्र का संकट और गहरा हो गया है। केंद्र सरकार के बनाए 3 कृषि कानूनों से पैदा हुआ संकट भी अभी भी कायम है, जिसके खिलाफ पिछले 7 महीने से कई राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं। भारत में मानसून हिंद महासागर और अरब महासागर की ओर से हिमालय की ओर बहने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जब यह हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से टकराती हैं, तो भारत सहित आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है। मानसून की भारत यात्रा हर साल अमूमन 1 जून से शुरू होती है, जब वह केरल के तट से टकराता है। जून के मध्य तक देश के बड़े हिस्से में उसकी आमद हो जाती है और जून के खत्म होते होते वह लगभग समूचे भारत को तरबतर कर देता है। इस बार उसके आने में विलंब हो चुका है। देश के कई राज्यों में मानसून समय पर नहीं पहुंचा। दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के किसानों को मानसून का इंतजार बना हुआ है। मानसून के अभाव में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में सूखे के हालात बने हुए हैं। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुमान के मुताबिक 8 जुलाई से बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं चलेंगी। इसके बाद ही देश के बाकी हिस्सों में मानसून आगे बढ़ेगा। पिछले कुछ महीनों से कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है, जिससे परिवारों के पोषण स्तर में काफी कमी आई है, जिसके चलते पहले से ही कम पारिवारिक बजट और अधिक सिकुड़ गया है। रसोई गैस की कीमतों में बेतहा बढ़ोतरी ने इस दुख को और बढ़ा दिया, जिस पर सब्सिडी मई 2020 में समाप्त कर दी गई थी और उसके बाद से कीमतें 46% तक आसमान छू गई हैं। जबकि रबी की फसल के बाजार में आने से अनाज और सब्जियों की कीमतें मुख्यतः स्थिर बनी हुई थी, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों के समूहों में कीमतें बेतहा बढ़ गई हैं, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है। इस डेटा को सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा संरक्षित करने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डेटाबेस से लिया गया है। आमतौर पर आम जन द्वारा खाई जाने वाली अधिकांश दालें, फिर चाहे अरहर या तूर दाल हो या फिर मूंग मसूर और उड़द, 2021 के पहले 5 महीनों में इनकी कीमतें अचानक से 13% से बढ़कर 23% हो गई है। जनवरी माह से सभी प्रकार के मांस और मछली और अंडे की कीमतों में भी बड़ी वृद्धि हुई है। इस साल चिकन की कीमत में सबसे ज़्यादा 33% की उछाल दिखा, जबकि मटन और पोक यानी सुअर का मांस में
23% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने 75 में से 67 जिलों में जीत हासिल की है। वैसे तो इन चुनाव की हकीकत सबको मालूम है, पर इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताते हुए गोदी मीडिया द्वारा जश्न का माहौल बनाया जा रहा है। सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर हासिल की गई इस जीत को शानदार बताते हुए तथा जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी को देते हुए मोदी जी ने ट्वीट किया, यह विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। सचमुच कानून के राज का नायाब नमूना था पंचायत चुनाव। पंचायत सदस्यों के जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के लोकप्रिय जनादेश को, जिसमें भाजपा बुरी तरह पराजित हुई थी, रौंद कर हासिल इस जीत से गदगद योगी जी ने उम्मीद जाहिर की कि यह चुनाव पंचायती व्यवस्था को मजबूत करेगा और इनके आधार पर विधानसभा में 300 से ऊपर सीट जीतने का ऐलान कर दिया। बहरहाल लोग जानते हैं कि इसी तरह 2015 के पिछले चुनाव में सपा ने 63 जिलों से जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत हासिल की थी। जब प्रदेश में उसकी सरकार थी और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में वह बुरी तरह पराजित हुई थी। कुछ ऐसा ही 2010 में भी हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार 5 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 39,796 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 723 मरीजों की मौत हुई, जिनमें से 42% से ज्यादा यानी 306 मरीजों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 42,352 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 3,279 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,05,85,229 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,02,728 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.10% यानी 2,97,430 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.57% यानी 4,82,071 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 35,28,92,046 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 14,81,583 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।